बत्तीस बत्तीस साल क्या कुछ झेलना पड़ा पूरा, क्योंकि मुख्तार के नाम से ही पूरा शहर कांपता है। देखिए अब वो कांपने कपाने वाले तो निश्चित तौर से उनको पूरी तरीके से राजनीतिक संरक्षण के अनुसार मैं कहूँ पूरी ताकत लगाकर उन लोगों ने हम लोगों को हर जगह दबाने का प्रयास किया, हर जगह कमज़ोर करने का प्रयास किया कि पर मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेरे बड़े भैया का आशीर्वाद वो हम लोगों के साथ था, महादेव की कृपा, हम लोग डटकर लड़े, कहीं हटे नहीं चाहे कोई परिस्थितियाँ आई। इसमें मेरे केवल बड़े भाई की हत्या हुई और उसके बाद मेरे पिताजी, मेरी माँ, वो सब लोग उस सदमे से हार्ट अटैक सदमा हो लग गया और पूरा परिवार तबाह हो गया। पर आप सब इसने प्यार बाबा विश्वनाथ की कृपा से मैं डट के खड़ा हूँ और आज के इस फैसले का हम लोग लगातार सन 1991 से इंतजार कर रहे हैं और ये फैसला बाबा विश्वनाथ की कृपा से आज आ रहा है और हम सब लोगों को पूरी उम्मीद है कि इसमें कठोरतम सज़ा मुख्तार अंसारी को होगी। न्याय मिलने की उम्मीद है? मैंने कहा ना कठोरतम सज़ा न्यायपालिका निश्चित करेगा, इसलिए कि हम लोग जो मेरा कर्तव्य था, धर्म था, गवाही जीरा, उसमें कहीं भी हम लोग एक पीछे नहीं हटे। जो चीज़ें उसमें न्यायपालिका में कहना चाहिए, जो बात बोलनी चाहिए, सारी चीज़ों को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक और पूरी मजबूती के साथ साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया। अब वो तो मैं कह रहा हूँ कि लगातार वो तो उसी के मास्टर ही हैं, लगातार धमकियाँ लगातार चली आ रही हैं और लगातार परेशान करने का प्रयास किया गया और कभी हम लोग पीछे डिगे नहीं, हटे नहीं, इसलिए कि हम अपने परिवार, अपने भाई के लिए जब सगे नहीं होंगे, अपने खून और रक्त के लिए जब हम सगे नहीं होंगे, तो मैं आम जनता के साथ, मैं जन नेता या लोगों के बीच में कोई बात कहूँगा कि मैं आपकी बड़ी मदद करूँगा, जब अपने परिवार के साथ खड़ा नहीं रहा, अपने खून के साथ नहीं खड़ा रहा, तो मैं समझता हूँ कि वो पूरी ताकत उसमें लगेगा लोगों को कि नहीं ये कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो इस नाते हम लोग पूरी ताकत के साथ वो जनता का आशीर्वाद और बाबा की कृपा से हम लोग खड़े हैं।